नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें अपना आगे टॉपिक है साझेदारों द्वारा पूंजी रखने की विधियां। साझेदारों द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के पश्चात आगे जो खाते बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। और इसे बनाने की दो विधियां हैं। नंबर एक स्थिर विधि, और नंबर दो परिवर्तनशील विधि। साझेदारों द्वारा पूंजी रखने की दो विधियां, एक तो स्थिर विधि, एक परिवर्तनशील विधि। अब स्थिर विधि में दो प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं, एक तो साझेदारों के चालू खाते, एक साझेदारों के पूंजी खाते। तो पहली जो अपनी विधि दे रखी है स्थिर विधि, उसके अंदर दो खाते तैयार किए जाएंगे। नंबर एक पे साझेदारों के चालू खाते नंबर दो साझेदारों के पूंजी खाते। तो स्थिर विधि में दो प्रकार के खाते तैयार किए जाएंगे, साझेदारों के चालू खाते और साझेदारों के पूंजी खाते, यानी पार्टनर करंट्स अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के चालू खाते और साझेदारों के पूंजी खाते। दूसरी जो विधि है परिवर्तनशील विधि, परिवर्तनशील विधि में केवल एक ही प्रकार का खाता तैयार किया जाएगा और वो होगा साझेदारों के पूंजी खाते, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्थिर विधि में दो प्रकार के खाते होंगे, साझेदारों के चालू खाते और साझेदारों के पूंजी खाते, परिवर्तनशील विधि में साझेदारों के पूंजी खाते। स्थिर विधि में पूंजी है वो स्थिर रहती है, यानी प्रत्येक साल पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आता। पूंजी में परिवर्तन उसी समय आता है जब या तो फर्म से स्थायी रूप से पूंजी निकाली जाए या फिर फर्म में एडिशनल पूंजी लगाई जाए, तो फिर इस विधि के पूंजी खाते में अंतर आएगा, अन्यथा इसके पूंजी खाते में कोई अंतर नहीं आएगा। जितनी पूंजी स्टार्ट में होगी उतनी ही एंड में रहेगी, और सारे के सारे जो व्यवहार हैं उनकी जो एंट्री की जाएगी, उनका जो लेखा किया जाएगा वो साझेदारों के चालू खाते में किया जाएगा, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही प्रकार से व्यवहार है, वो दो प्रकार के व्यवहार लिखे जाएंगे, जब साझेदारों द्वारा फर्म में नई पूंजी लगाई जाएगी या स्थायी रूप से पूंजी निकाल ली जाएगी। परिवर्तनशील, जैसा नाम से पता चल रहा है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ, जिसमें पूंजी में प्रत्येक साल परिवर्तन होगा। परिवर्तन करने के लिए आपको जो सारे व्यवहार हैं उनको साझेदारों के पूंजी खातों में ही लिखना पड़ेगा। इसमें सारे वही व्यवहार आते हैं जो अपने लाभ हानि नियोजन खाते में लिखते हैं। इसके अलावा इसमें आएगा पूंजी लगाना, पूंजी निकालना या आरण करने पर इसमें लिखा जाएगा, और सारे वो व्यवहार आएंगे जो अपने लाभ हानि नियोजन खाते में लिखते हैं। अब अपनी जो पहली विधि है वो है स्थिर विधि। अब स्थिर विधि में आपको दो प्रकार के खाते तैयार करने हैं, एक तो पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो किस प्रकार से बनेंगे देखो,
नंबर एक पे कौन सी है? स्थिर विधि। इसमें पहला खाता आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो प्रकार के खाते तैयार करने हैं, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये खाते बनेंगे कैसे उसका प्रारूप देखो। पहले अपने बनाते हैं देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर का कॉलम अमाउंट का, पर्टिकुलर का अमाउंट का, ये इसकी डेबिट साइड हो गई, ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। अब खाता कौन सा देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हमें इस कैसे पता चलेगा कि हमें स्थिर विधि का प्रयोग करना है या फिर परिवर्तनशील पूंजी विधि का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन में यह तो लिखा होगा कि आपको स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करना है, अगर नए लिखा हो और आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखे कि चालू खाते बनाइए तो चालू खाते स्थिर विधि में बनते हैं, इसलिए आपको स्थिर पूंजी विधि का ही प्रयोग करना है। अगर मान लो ऐसा नहीं दे कि आपको पीछे का करंट अकाउंट का बैलेंस दे दे, तो करंट अकाउंट का बैलेंस उसी दशा में दिया जाता है जब आप स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करते हो। अगर क्वेश्चन में नए तो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और नए ये लिख रखा कि आपको स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करना है, तो फिर आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना है? परिवर्तनशील पूंजी विधि का प्रयोग करना है। अब इसमें आपको मान लो ये मान लेते हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो फिर हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है? पार्टनर करंट अकाउंट का प्रयोग करना है। अब इसमें पीछे का बैलेंस मान लेते दे रखा है, तो पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और फिर या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है? सबसे पहले इसमें आपको पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है। अगर मान लो अब अमाउंट बना के मान लेते हैं इसमें 2 पार्टनर है एक बार ए और बी, तो अमाउंट के 2 कॉलम हो गए, एक ए का एक बी का। इसी तरह इधर भी एक ए एक। सबसे पहले अपने क्या करना है, इसमें अगर
पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो वो क्या करना है, सबसे पहले आपको वो बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। मान लेते हैं ए का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बी डी, सबसे पहले क्या करें, पुराना जो बैलेंस दिया है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, और जो बैलेंस इसमें दे रखा है वो लिख देंगे। ये मान लेते हैं कि बी का डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस बी डी, इसका डेबिट बैलेंस लिखेंगे। ए का क्रेडिट बैलेंस और बी का डेबिट बैलेंस। अब देखो इसके डेबिट साइड में क्या आएगा, अगर किसी साझेदार ने अर्न किया है तो इधर टू ड्रॉइंग लिखेंगे। अब देखो एक तो होता है ड्रॉइंग यानी आहरण, और एक होता है विदड्रॉ ऑफ कैपिटल, दो बातें आती हैं, एक तो ड्रॉइंग हो गया, एक विदड्रॉ ऑफ कैपिटल हो गया। ड्रॉइंग में क्या करता है, साझेदार फर्म से पैसे निकालता है, और विदड्रॉ ऑफ कैपिटल में भी साझेदार है वो फर्म से पैसे निकालता है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है डिफरेंस है। ड्रॉइंग का मतलब ये होता है कि पार्टनर ने फर्म से एक तरह से उधार लिया है जो वो इंटरेस्ट सहित वापस देगा फर्म को, और विदड्रॉ ऑफ कैपिटल का अर्थ ये होता है कि उसकी पूंजी फर्म में ज़्यादा हो गई इसलिए वो अपनी स्थायी रूप से पूंजी है वो निकाल रहा है, वो फर्म में वापस नहीं देगा। तो अगर मान लो उसने ड्रॉइंग किया है तो ड्रॉइंग तो आएगा पार्टनर करंट अकाउंट में, अगर उसने विदड्रॉ ऑफ कैपिटल किया है वो आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। यानी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि मान लो उसने पूंजी क्या किया, निकाली है स्थायी रूप से, तो विदड्रॉ ऑफ कैपिटल हो गया। इसको कहाँ पर लिखेंगे अपने, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल को लिखेंगे अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और ड्रॉइंग है वो पार्टनर करंट अकाउंट में आएगी। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग दे रखी है या फिर विदड्रॉ ऑफ कैपिटल दे रखा है। तो ड्रॉइंग का मतलब तो क्या है, एक तरह से उधार है जो उसने फर्म से उधार लिया है, और विदड्रॉ का मतलब उसने स्थायी रूप से निकाला है। तो फिर इसमें क्या करना आपको, ड्रॉइंग है वो तो पार्टनर करंट अकाउंट में लिखनी है, और विदड्रॉ ऑफ कैपिटल है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो इधर क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग आएगा, ए ने किया वो ए वाले कॉलम में आ जाएगा, और बी ने किया है वो बी वाले में आ जाएगा। अब ड्रॉइंग इधर आएगा, इस इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही कहाँ पर आएंगे, पार्टनर करंट अकाउंट में आएंगे। इसके क्रेडिट साइड में क्या चीज़ें आएगी, वो सारी चीज़ें जो एक फर्म के लिए क्या है वे है, जबकि साझेदारों के लिए क्या है प्रॉफिट है, और ये पार्टनर करंट बना रहे हैं तो पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए इसमें क्रेडिट साइड में वो सारी मदें आएगी जो पार्टनर के लिए क्या है फ़ायदा है, और फर्म के लिए क्या है वे है। तो इसमें देखो अपने सबसे पहले बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड में जो आइटम लिखे थे सारे, वो सारे के सारे इधर क्रेडिट साइड में आएंगे, और क्रेडिट में लिखे थे वो सारे के सारे डेबिट साइड में आएंगे। तो जो भी हमने डेबिट में लिखा वो सारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में लिखा वो सारा डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले उसमें हमने देखो ड्रॉइंग नहीं लिखी, हमने उसमें लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आती, क्योंकि ये एक तरह का उधार है जो हमने लिया है जो फर्म को वापस चुकाना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, इस पे उसे मिल रहा है, इसलिए इसे क्या करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। इधर बहुत सारी चीज़ें आएगी जो एक पार्टनर को दी जाती है, एक पार्टनर को दी जाती है लेकिन फर्म के लिए वो व्यय है, और पार्टनर के लिए क्या है प्रॉफिट है, इसलिए इसे क्या करेंगे अपने क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाय क्या लिखोगे, सबसे पहले इधर बाय, मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए को जो इंटरेस्ट मिला वो ए वाले कॉलम में आएगा, बी को मिला वो बी वाले में आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए वाले में और बी वाले में, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके अलावा किसी पार्टनर को क्या मिल सकती है, सैलरी मिल सकती है, बाय सैलरी। सिर्फ इसमें पार्टनर की सैलरी आएगी, मान लो ए को सैलरी मिली तो ए के कॉलम में वो सैलरी आ जाएगी, बाय कमीशन, बाय कमीशन। ये कमीशन मान लो बी को मिला तो ये कमीशन अपने बी वाले में लिख देंगे और ए वाला कॉलम है वो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद और भी कोई चीज़ हो सकती है, कोई अदर रेमुनरेशन जैसे बोनस वगैरह आ जाए, जो पार्टनर को मिले वो सारा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा इतना ध्यान रखना, इसमें और क्या चीज़ आएगी, इसमें और आएगा जो अपने प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट में जाके क्या करते हैं, हम उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। अगर प्रॉफिट बांटा होगा हमने तो वहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हमने कौन सी साइड लिखा होगा, डेबिट साइड में टू पार्टनर करंट लिखा होगा। मैंने आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, उसमें बताया था कि लास्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मान लो वहाँ पे हमने स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया है तो वो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर हमने परिवर्तनशील पूंजी विधि का प्रयोग किया है तो वो प्रॉफिट है वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिलहाल अपने मान लेते हैं भी स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में किया होगा। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के उसे हमने कहाँ पर लिखा, डेबिट में, तो पार्टनर करंट में कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लिखेंगे क्या, देखो वहाँ पे हमने बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा होगा तो करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और वहाँ का जो प्रॉफिट हमने बांटा वो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा। अगर मान लो फर्म को लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो फिर हमने वो लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, पी एंड अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में तो वहाँ पर लिखा होगा हमने बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इसमें टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। इस तरह से अपना पार्टनर करंट अकाउंट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड का टोटल है वो बराबर आ जाए, इसलिए पहले क्या करना है, हमें दोनों साइड का बैलेंस निकालना है। तो दोनों साइड का बैलेंस निकालने के लिए पहले क्रेडिट साइड जोड़ो। मान लो ए और बी दोनों की क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, ए और बी की क्रेडिट साइड क्या ज़्यादा है, तो उसका जो डिफरेंस होएगा वो यहाँ पे लिखेंगे अपने टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, और वो बैलेंस है वो जितना भी बैलेंस होएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना पार्टनर करंट अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या, देखो दो खाते बनाने, एक पार्टनर करंट अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सारे आइटम लग हमने क्या किया, पार्टनर करंट अकाउंट में लिख दिए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा वो देखो।
partners capital account. प्रारूप इसी तरह का होएगा, ये बनेगा पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना बैलेंस लिखेंगे। तो जब स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया जाता है तो करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का आपको क्रेडिट ही बैलेंस मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो पुराना बैलेंस लिखेंगे और इसका बैलेंस है वो क्रेडिट मिलेगा आपको। अब जब स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको दो ही आइटम लिखने हैं, या तो कोई साझेदार एडिशनल कैपिटल लगाए या फिर कैपिटल विदड्रॉ करे, या तो पूंजी निकाल ले स्थायी रूप से या फिर नई पूंजी लगाए, तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना है, अन्यथा और कोई एंट्री है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। अगर मान लो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसकी एंट्री अपने करते हैं कैश टू कैपिटल। मान लो ए और बी दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसी इसमें क्या लिखेंगे, अपने बाय कैश या बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक। अगर कोई साझेदार कैपिटल का विदड्रॉ करता है, इधर टू कैश लिखना है आपको। अब इसमें और कोई आइटम नहीं आएगा क्योंकि सारी मदें हैं वो हमने पार्टनर करंट अकाउंट में लिख दी है। अब इसका सिर्फ बैलेंस निकालना आपको, दोनों साइड का टोटल लगाओ पहले, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा मिलेगी आपको, इसमें से डेबिट साइड को लेस करके शेष है वो टू बैलेंस सीडी। और दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। तो आपको स्थिर पूंजी विधि में दो प्रकार के खाते तैयार करने, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर करंट में पुराना बैलेंस लिखना है जो डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ए का क्रेडिट बैलेंस है जो पुराना हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, और बी का डेबिट बैलेंस है उसे हमने डेबिट में लिख दिया। इसके क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम आएंगे जो आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखे थे, यानी जो आइटम हमने साझेदारों को दिए थे लेकिन फर्म के लिए वो व्यय थे, तो पार्टनर के लिए वो क्या है, फ़ायदा है, और फ़ायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जैसे मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। किसी पार्टनर को सैलरी मिली, मान लो इसमें ए को सैलरी मान लेते हैं तो बाय सैलरी लिख के अमाउंट है वो ए वाले कॉलम में आ गई। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिला, मान लो बी को कमीशन मिला तो बाय कमीशन लिखा, अमाउंट है वो बी वाले में लिख दी। और इधर और क्या है, प्रॉफिट। अगर हमने अकाउंट बनाया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, उसमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कब होता है, उसकी मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा थी
तो वो हमने प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो डिस्ट्रीब्यूट करके और वो पार्टनर करंट में क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया था। वो इसके डेबिट में क्या क्या आइटम आएंगे, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का वो लिख दो, उसके अलावा किसी पार्टनर यदि कोई ड्राइंग करी है तो वो लिख देंगे, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगा तो वो इसके डेबिट में आएगा। क्यों आ रही है डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए तो प्रॉफिट है लेकिन साझेदारों के लिए क्या व्यय है, और साझेदारों के खाते बना रहे अपने, तो इसका डेबिट हुआ क्योंकि व्यय हमेशा डेबिट होता है। अगर मान लो हमने पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाया उसमें लॉस हुआ था, अगर पी एन एल अप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ तो हमने वो पी एन एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बांटा होगा पार्टनरों को, तो उसके क्रेडिट में तो फर्म के क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, फिर डेबिट साइड में आएगा करंट अकाउंट में, तो टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन डेबिट में। अब इसके बाद इसका पूरा टोटल लगा लो, और जिस साइड ज़्यादा है उसमें कम वाली साइड घटा के शेष है वो नया बैलेंस आ जाएगा। ये तो सारा आएगा करंट में। कैपिटल में सिर्फ आपको एक तो पुराना बैलेंस लिखना है, और इस खाते का हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा यदि आप करंट अकाउंट बनाते हो साथ में। उसके बाद इसमें आएगा अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई हो तो उसकी एंट्री अपने करते हैं बैंक टू कैपिटल, तो कैपिटल में बाय बैंक लिखेंगे। और अगर किसी साझेदार ने स्थायी रूप से पूंजी निकाल ली हो, ये ध्यान रखना पूंजी निकालना वो ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ड्राइंग है वो तो करंट में आई है, ये स्थायी रूप से निकाली जाती है जो वापस नहीं दी जाती, वो टू कैश करके ए और बी में आ जाएगा, इसमें शेष है वो बैलेंस बचेगा, टोटल दोनों का इक्वल कर देंगे। ये कौन सी विधि होगी, अपनी स्थिर पूंजी विधि। दूसरी विधि कौन सी है, परिवर्तनशील पूंजी विधि, जिसके बारे में आपको कल बताएंगे। धन्यवाद। बंद कम होगा मैडम जी, बंद कर देंगे।